हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप चंडीगढ़ से रिलेटेड अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर DSSB में, तो आपको पता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी लास्ट डेट इज समथिंग 8th of March DSSB का है और 18th of March चंडीगढ़ का है। तो आपको क्या पढ़ना है, आप कन्फ्यूज हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देखिए कंप्लीट आपका इंडियन आर्ट पूछा ही जाएगा। मूर्ति कला का पोर्शन ले लीजिए, स्थापत्य कला का, ये भी आर्टिस्ट ले लीजिए, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट ले लीजिए, स्कल्पचर आर्टिस्ट, सभी को पूछे जाएंगे। अब आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास मटेरियल है या नहीं, क्योंकि कम टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंप्लीट मटेरियल्स होने चाहिए। अब आपको सिर्फ तैयारी करनी रह जाएगी। अब इतना वक्त नहीं है कि आप चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके पढ़ेंगे। अगर इकट्ठा करते भी हैं तो कुछ कुछ सर्टेन चीज़ें मिस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस करूँगी कि क्या क्या चीज़ों की आपको नीड है। अगर आप बुक्स का डिमांड कर रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें, तो देखिए ऑथेंटिक थ्योरीज पढ़िए। थ्योरीज में भी मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो उन बुक्स में आपको बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद सारे पॉइंट्स मिलेंगे। एक ही बुक्स पढ़ने से पूरे कंटेंट आपको नहीं मिल जाने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइंट होकर आपने तैयारी कर ली है, दैट मीन्स कि आपको पूरे इकट्ठे कलेक्शंस ऑफ नोट्स मिल गए होंगे। उन नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिसेस कीजिए। जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सेकेंडरी, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट के बाद जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े उन टॉपिक का प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। देन PYQ इज अ वेरी मैंडेटरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मल्टी टाइम्स आप रिविजन कीजिए। अब यहाँ पर कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए चंडीगढ़ के लिए एज ऑफ 21 से लेकर के 37 21 साल से लेकर के 37 साल तक की आपकी एज है, दैट मींस कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन सेकेंडरी यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, BA में ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले तो बिल्कुल ही एलिजिबल है, साथ के साथ BFA वाले एलिजिबल हैं। BFA वाले स्टूडेंट के पास अगर MFA नहीं भी है, इट्स ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप फिर भी एलिजिबल हो। अगर आपने अभी तक CCC का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो CCC का फॉर्म तो आपको पता है आते ही है, तो आप फिल कीजिए प्रिपरेशन करके, देन सिलेक्शन ले लीजिए। इजली वहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में माइनस मार्किंग तो होता नहीं है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हो, दैट मीन्स कि आप पासिंग मार्क्स के स्कोर में हो। जितना ज़्यादा स्कोर लाएंगे वो आपके प्लस पॉइंट में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो CCC का सर्टिफिकेट वो अभी आपसे नहीं मांग रहे हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे देन आपको रिप्रेजेंट वहाँ पर करना होगा। दैट मीन्स कि अभी आपके पास CCC नहीं है, फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर लें। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, आप मेरे बैच से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉपर मैं नोट्स प्रोवाइडेड कराऊंगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे, क्विज क्लासेस आपको प्रोवाइडेड कराई जाएंगी, डेली लाइव क्लासेस विथ डाउट सेशन क्लासेस अलग से होंगी। किसी भी तरह का कोई स्टूडेंट को डाउट्स होगा तो वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा आप मुझे इजिली सेंड कीजिए और पूछ लीजिए, मैम इसका राइट आंसर बताएं। 100% मैं एवरी स्टूडेंट को रिप्लाई देती हूँ, आपको भी रिप्लाई करूंगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आपको पढ़ना क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का बैच ज्वाइन करें तभी आपका सिलेक्शन होना है। अगर आपके पास कंप्लीट मटेरियल है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आपको कंप्लीट इंडियन आर्ट पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक, देन सेकेंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज। वैदिक एज के बाद कंप्लीट केव्स पढ़ने हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासर, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा, सारे केव्स कवर अप होने के बाद मिडल एज आपको पढ़नी होगी। पाल और अभ्रंश स्कूल को कम्युनिकेट कीजिएगा अच्छी तरीके से, ये रिलीजियस बेस्ड है। पाल और अभ्रंश मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग होती है हमारे इंडिया में। पाल जो है वो बौद्ध धर्म के महायाना शाखों को डिपिक करते हैं और जो अभ्रंश है वो जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। 24 जैन तीर्थांकराज होते हैं, पर्टिकुलर कुछ तीर्थांकर, 8 तीर्थांकर को आपको याद कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपको ईरानी स्कूल, मुगल राजस्थानी, दक्कनी स्कूल कंप्लीट पढ़ना है, टाइमलाइन विद एक्सप्लेनेशन और आर्टिस्ट, ठीक है। यहाँ तक आप कवर अप करने के बाद फिर आप कंपनी स्कूल पढ़ोगे, देन तंजौर, मैसूर, कालीघाट, उड़ीसा, जितने भी छोटे छोटे से आर्ट वर्क हैं यहाँ पर कवर अप करने के बाद फिर आप पढ़ोगे बंगाल स्कूल, अवनीनाथ टैगोर, ही वॉज द फाउंडर। बंगाल स्कूल के अंदर जितने भी अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं, अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट, नंदलाल बोस के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट टीचर सबको पढ़ना है, क्योंकि वो एक फेमस आर्टिस्ट बन जाते हैं। आर्ट कॉलेजेस, इंडिया के फेमस आर्ट कॉलेजेस के पहले टीचर्स बनते हैं, इसलिए आपको सभी को पढ़ लेना है। ये तो कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इंडियन आर्ट हो गया। अब आपको
मूर्तिकला में क्या पढ़ना है? मौर्य मूर्तिकला भी प्रागैतिहासिक के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के आफ्टर क्लियर दैट चैप्टर फिर आपको शुरू हो जाता है। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, चंदेल, छोटे छोटे प्रतिहार वंश जितने आते हैं सबके चैप्टराइजेशन मेरे से नोट्स लेके पढ़ लिएगा। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो कंप्लीट टाइमलाइन के साथ साथ पिक्चर्स भी ऐड की हूँ। आप थ्योरीज के साथ साथ पिक्चर्स भी देख करके चीज़ों को बड़े ईजिली वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं, राइट। तो ये यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आपको आर्टिस्ट भी पढ़ने हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट भी पढ़ने हैं, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट भी पढ़ने हैं। तो आपको सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि इतनी सारी चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे? तो बहुत शॉर्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्लू आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया है। अगर आप जेआरएफ लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की नीड है आपको, तो वो छोटे छोटे से नोट्स में बना रखी हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप उनको टेकन करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक अच्छे से तैयारी करने के बाद आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट पढ़ने हैं, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स इन इंक्लूडेड लाइन, कलर, स्ट्रक्चर, शेप, स्पेस, फॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन इंक्लूडेड यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम। मेरे जितने भी नोट्स होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर आप CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड से हैं फिर भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखिए मेरा BFA MFA प्रॉपर CBSE बोर्ड AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। फिर भी जब भी आप आर्ट की फील्ड में जा रहे होते हैं तो आपको कंप्लीट इंग्लिश में चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन पूरे टाइमलाइन के साथ नहीं मिलती हैं, तो आपको लैंग्वेज में होप्सो की प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मेरी लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट क्लास के ड्यूरेशन में ही समझ आ जाने वाला है। तो आप DSSB, चंडीगढ़, KVS NVS, EMRS, TGT PGT, GIC, RPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको मेरे आज की वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास जिस भी तरह की कोई क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।